वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने 70 सालों तक देश को लूटा है। इस देश में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मोदी की नीयत पे शक करना ये ठीक नहीं है। जहां तक सवाल है इस बॉन्ड का, सारी दुनिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चंदा लेती हैं, ऑन रिकॉर्ड लिया गया है। देश के लगभग 1300 कंपनियां जिनका बहुत बड़ा रोल है इस देश को बनाने में, वो सब चोर हैं? वो सब लुटेरे हैं क्या? उन्होंने जो भी पैसा दिया है वो ऑन रिकॉर्ड दिया है, और जो पैसा ऑन रिकॉर्ड दिया गया है उस पर सवाल उठाना विपक्ष की गंदी सोच का नतीजा है। मैं तो कहूंगा कि ये सारा विपक्ष राहुल गांधी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के चरित्र की हत्या करना, प्रधानमंत्री के दामन के ऊपर दाग लगाने की जो साजिश विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने 70 सालों तक देश को लूटा है। इस देश में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन मोदी की नीयत पे शक करना ये ठीक नहीं है। जहां तक सवाल है इस बॉन्ड का, सारी दुनिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो चंदा लेती हैं, ऑन रिकॉर्ड लिया गया है। देश के लगभग 1300 कंपनियां जिनका बहुत बड़ा रोल है इस देश को बनाने में, वो सब चोर हैं? वो सब लुटेरे हैं क्या? उन्होंने जो भी पैसा दिया है वो ऑन रिकॉर्ड दिया है, और जो पैसा ऑन रिकॉर्ड दिया गया है उस पर सवाल उठाना विपक्ष की गंदी सोच का नतीजा है। मैं तो कहूंगा कि ये सारा विपक्ष राहुल गांधी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के चरित्र की हत्या करना, प्रधानमंत्री के दामन के ऊपर दाग लगाने की जो साजिश विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष को शोभा नहीं देता।